प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल 2023-24 का बजट पेश किया है। बजट को लेकर राजनाहन में भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बिंदल ने बताया कि सरकार का बजट केंद्र सरकार से प्रेरित होकर बनाया गया, जिसमें किसी भी नई योजना के बारे में चर्चा नहीं की गई है और कांग्रेस की 10 चुनावी घोषणाओं को भी इसमें जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने इस बजट में सिरमौर से नाहन को भी कुछ नहीं दिया गया। इसमें केवल ग्रीन बजट की बात की जा रही है, जबकि किसान, बागवान, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। कुल मिलाकर बजट जो कि सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर आया है, वे एक निराशाजनक बजट है। PLTV के लिए सिरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट।